धाम में चोरी हुई है तो आप लोगों ने चोर को तो पकड़ ही लिया होगा। चोरी होके तो आधा घंटा हो गया है और अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया है। क्या होटल मुबारक हो, चोर पकड़ा नहीं गया? तो सर जल्दी चलिए वरना वो लोग हमसे पहले चोर को पकड़ लेंगे। क्या क्या क्या, क्या चोरी हुआ? 40 किलो टमाटर चोरी हुआ है। पांडे जी हमें ना बहुत मुश्किल से टमाटर मिले थे और हमें टमाटर के अचार का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर हम लोगों ने ऑर्डर पूरा नहीं किया ना तो हमारा अचार पापड़ बिजनेस में नाम खराब हो जाएगा। ये इंस्पेक्टर चालू पांडे, आपके अचार पापड़ के बिजनेस का नाम खराब होने नहीं देगा। एक घंटे के अंदर आपके सारे टमाटर और उस टमाटर चोर को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ तो मास्टर जी, अब आप हमें डिटेल में बताइए कि टमाटर की चोरी कहाँ और कैसे हुई। आइए बताता हूँ, आइए 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 आइए। आज सुबह हमारे सोसाइटी से 40 किलो टमाटर चोरी हो गए। वो पांडे जी क्या है, सब लोग बार बार आके पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ क्या हुआ, तो इसलिए सबको बार बार बताना पड़े, इसलिए मैंने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा सुनिए ना पांडे जी, क्या हुआ, रात को 3 बजे टमाटर की टोकरी हमें यहाँ मिली, तो मैं और माधुरी यहाँ पे आए, टमाटर की टोकरी उठाने की कोशिश की लेकिन वो इतनी हेवी थी कि उठा नहीं पाए। अच्छा, तो मैंने माधुरी को बोला तुम घर जाके सो जाओ, मैं यहाँ पे टमाटर के साथ सो जाऊंगा पर टमाटर की रखवाली करूंगा। सुबह 10 मिनट के लिए फ्रेश होने क्या गया पांडे जी, किसी ने यहाँ से टमाटर की टोकरी साफ कर ली। मास्टर जी तुम 10 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए अपने घर गए और उसी दरमियान 40 किलो टमाटर गायब हो गए। पाटिल, कोई बाहर का आदमी 40 किलो टमाटर 10 मिनट के अंदर उठाकर ले जाए यह हमें मुमकिन नहीं लगता। यस सर, ये काम किसी सोसाइटी वाले का ही हो सकता है। नहीं पाटिल, कौन हो सकता है वो सोसाइटी का आदमी जिसने 40 किलो टमाटर चुराए? पांडे बेटा तुम मेरे सामने क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं चाहते जी, मैंने तो सोचते सोचते सहजता से आपको देख लिया। अच्छा ठीक है, तो देखो देखो। तो मास्टर जी ये बताइए, इनमें से या सोसाइटी के कोई भी ऐसे मेंबर है जिस पर आपको शक है? नहीं नहीं पांडे जी, सोसाइटी में से कोई चोरी कर ही नहीं सकता, किसी पे मुझे कोई शक नहीं है। थैंक यू पाटिल, मास्टर जी को अपने सोसाइटी वालों पर शक नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कोई अंदर का ही आदमी है जिसने 40 किलो टमाटर चुराए। खैर मास्टर जी, कोई बाहर का आदमी सोसाइटी के अंदर आया था? हाँ, सुबह एक पेपर वाला आया था जिसने मुझे उठाया था। वो कैसे आता है? कैसे आता है मतलब? अरे मतलब मोटरसाइकिल से आता है, टैक्सी से आता है या ट्रक से आता है? हाँ वो वैसे, हाँ वो ये ट्रंक है, साइकिल पे आता है। मतलब सर वो पेपर वाला ही टमाटर लेकर चला गया? है? नहीं नहीं पाटिल, वो साइकिल वाला 40 किलो टमाटर उठा के बाहर कैसे ले जाएगा? इम्पॉसिबल। पाटिल साहब, वो पेपर वाला मेरे सामने ही सोसाइटी के बाहर गया। तो और कोई बाहर से अंदर आया था? पांडे जी आज सवेरे जब मैं यहाँ पर आया तो एक रिक्शा वाले को स्पीड से सोसाइटी के बाहर जाते हुए देखा। अब्दुल, तुम सोसाइटी में सुबह कितने बजे आए थे? 7:45। मास्टर जी, आप फ्रेश होने के लिए घर पर कितने बजे गए? मैं 6:30। 6:30, 7:30, मतलब 6:30 और 7:45 के बीच में वो रिक्शा वाला आया, 40 किलो टमाटर उठाया और रिक्शे में रख कर क्रर से गायब हो।
और उस रिक्शे वाले को सोसाइटी से बाहर जाते हुए अब्दुल ने देखा, राइट? हाँ पांडे जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन प्रश्न ये है मास्टर जी, कि उस रिक्शे वाले को कैसे मालूम कि 40 किलो टमाटर यहाँ पर रखे हुए हैं? सर, हो सकता है उसका कोई खबरी हो। कैसे? सुबह पेपर वाला मास्टर जी से मिला, पेपर वाले ने टमाटर को देखा, उसने मास्टर जी को घर जाते हुए भी देखा, बाहर गया और उसने रिक्शे वाले को खबर दी कि टमाटर यहाँ पर रखे हुए। उसी 10 मिनट में वो रिक्शा वाला आया, 40 किलो टमाटर उठाया, रिक्शे में डाला और निकल के फर्र हो गया। पॉसिबल? वाह सर। मास्टर जी, वो रिक्शा वाला और पेपर वाला मिले हुए। आई, पेपर वाला मिल जाएगा तो हमें हमारे टमाटर भी मिल जाएंगे। अगर ये सब जल्दी हो जाए तो अच्छा। उस पेपर वाले को फोन लगाओ। हाँ अब्दुल, तुम्हारे पास नंबर है ना, फोन लगा। फोन बंद आ रहा है। इसका मतलब उसने जानबूझ के फोन बंद किया है। उस पेपर वाले का एड्रेस है, कहाँ रहता है वो? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अब्दुल, तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? नहीं। क्या आप लोगों को पता नहीं है? कोई बाहर का आदमी रेगुलर आप लोगों की सोसाइटी में आता है तो उसका सारा डिटेल्स आप लोगों के पास होना चाहिए। हाँ। नहीं, वो पता है पांडे जी, लेकिन इसको आए कुछ ही दिन हुए थे ना, तो वो लेना रह गया था। पांडे अंकल, प्लीज आप रिक्शा वाले को जल्दी ढूंढिए ना। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बेटा। अब्दुल, अब ये बताओ, तुमने उस रिक्शे वाले का नंबर देखा? नो तो क्या रहा? अरे अब्दुल, कोई 40 किलो टमाटर चुरा कर 9-2-11 ही होगा। मैं रिक्शे वाले का नंबर पूछ रहा हूँ, नंबर। पांडे जी, मेरे बोलने का मतलब यही है कि रिक्शा का नंबर 9211 है। 9211। तो ऐसा बोलो ना, 9211। 9211 बोलोगे तो पुलिस तो यही सोचेगी ना कि चुराया और 9211 हो गया। सॉरी। अच्छा अब्दुल, एक बात बताओ, इस सोसाइटी में हर आते जाते रिक्शे वाले का नंबर नोट करते हो? पांडे जी, उड़ीसा का नंबर ही ऐसा था, 9211। मुझे याद रह गया। पांडे जी, जरा जल्दी रिक्शे वाले को ढूंढिए ना। क्या है, टाइम पे टमाटर मिलेंगे तो टाइम पे अचार बनेगा और टाइम पे डिलीवरी हो जाएगी ना, इसलिए। हाँ, वो अचार वाली ताई, आप चिंता मत कीजिए, हमने आपसे वादा किया ना कि 1 घंटे के अंदर वो रिक्शा वाला और आपके सारे 40 किलो टमाटर आपके सामने होंगे। खरच? थैंक यू। 9211 रिक्शा वाला पुलिस के हाथों से 9211 नहीं हो सकता। वाह वाह। पटेल, बगल वाले रिक्शा स्टैंड पे जाओ, उस रिक्शे वाले का पता करो, जैसे मिले उसे पकड़ के लाओ। अरे हाथ मत पकड़ना, नहीं तो रिक्शा कैसे चलाएगा, क्योंकि उसी रिक्शे में बैठकर तुम्हें यहाँ आना है ना। गो। ओके सर। मैं कंट्रोल रूम में मैसेज देता हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, रिलैक्स। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। जी सर। अरे
सावन। हाँ सर, सावन थियर। कैसे हो भाई? बढ़िया सर। अच्छा, अरे सुनो, एक केस आया वही गोकुलधाम सोसाइटी का। हाँ, यहाँ से 40 किलो टमाटर चोरी हो गए, एक रिक्शा वाला लेकर भाग गया है। सावंत, याद रहे वो टमाटर लाल थे। सर, टमाटर तो लाल ही होते हैं। सावंत, लाल इसलिए कह रहा हूँ कि जो कच्चे टमाटर होते हैं वो ग्रीन होते हैं, पके हुए एकदम लाल लाल होते हैं। याद रहे सावंत, काली रिक्शा लाल टमाटर पीला नंबर प्लेट 9211। सर समझ गया, 9211 मतलब भाग गया ना। अरे उसका मतलब वो नहीं भाई, नंबर है 9211। ओके ओके सर। सावंत, इन्फॉर्मेशन पूरे शहर में फैला दो, मुझे एक घंटे के अंदर वो रिक्शा वाला चाहिए। Got it? जी 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 सर। थैंक यू सावंत, टेक केयर, बाय। देवा, पता नहीं वो रिक्शे वाला मिलेगा या नहीं। डोंट वरी माधवी भाभी, रिक्शा वाला मिल जाएगा। वो आई। हाँ, लेकिन इतना बड़ा मुंबई शहर में एक रिक्शा वाले को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। यार बेटा, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना है? अरे हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। चार्ज जी, आपका बात एकदम बराबर है लेकिन हमको दूसरा साइड भी सोचना चाहिए। क्या प्लान ए अगर जो सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी तैयार रखना चाहिए। लेकिन प्लान बी की इस वक्त गुंजाइश नहीं है क्योंकि भेड़े को इस वक्त मार्केट से टमाटर नहीं मिल सकते। सही बात है, इसलिए ना हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो रिक्शा वाला पुलिस वालों को जल्दी मिल जाए। हाँ भगवान। 9211 नंबर का रिक्शा देगा आपने? पांडे सर का ऑर्डर है, ऑटो नंबर 9211, एरिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, कहीं कड़े नाकाबंदी लाउन टाका। ये तो वही रिक्शा है, पटे रुका। साहब ये वो रिक्शा नहीं है, हम जो रिक्शा को ढूंढ रहे हैं उसका नंबर 9211 है। पक्का? हाँ पक्का सर, उसका नंबर भी मैंने नोट करके रखा है। ठीक है चलो। अब्दुल, तुम्हें पूरा नंबर याद नहीं है? नहीं, इतना ही याद है 9211। रिक्शा वाले का अभी तक कोई खबर नहीं आया। यार थोड़ा सा वक्त लगता है, पांडे जी ने वायरलेस पे मैसेज भिजवा दिया, कुछ देर में पता चल जाए। हेलो सर, मुझे यहाँ पता चला कि 9211 नंबर की ऑटो अभी अभी एसवी रोड पर देखी गई है। अरे देख क्या रहे हो, उसको पकड़ो और उसके रिक्शे में बैठ कर सीधे यहाँ लेकर आओ। जी जी सर, मैं वही जा रहा हूँ। हाँ, नहीं तो जानते हो ना गोकुलधाम वाले को। ठीक है, गुड जॉब, गुड जॉब पाटिल, थैंक यू। जी सर, चलिए इसी रोड चलिए। वेरी गुड न्यूज फ्रॉम मुंबई पुलिस। क्या क्या हुआ पंडित जी? क्या वो रिक्शा वाला मिल गया? क्या बात है पांडे जी, आपने तो एक घंटे में रिक्शा वाले का पता लगा लिया। अरे मुंबई पुलिस अंचल, ये नाला यार, टमाटर चोरी करके क्या कहा है? कहा है टमाटर? झूठ बोलोगे तो पढ़ाएंगे नंगे। ए चलो पीछे, चलो चलो पीछे। आप यही बोलोगे कि हमारा नाम इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पढ़ेंगे डंडे।
नहीं, चालू पांडे जी, मैं तो आपके लिए बोला कि हमारे पास है चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। कोई भी अपराधी से नहीं पूछेगा, अपराधी से पूछने का हक सिर्फ पुलिस वाले को है। बराबर है। टमाटर तुमने चुराया है ना? नहीं नहीं साहब, मैंने टमाटर नहीं चुराए। मैंने टमाटर नहीं चुराए, तो किसने चुराया? मैंने अभी अभी बोला ना कि अपराधी से सिर्फ पुलिस वाला पूछेगा, बोला कि नहीं? ए मास्टर, हमारी बात हुई थी ना, ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा और अपराधी से पूछताछ मैं करूंगा, बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? ओह ए ना, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ नहीं नहीं नहीं, क्यों ये लोग? ए अब जल्दी से फटाफट बताओ टमाटर किसने चुराए? इतना टमाटर तुम अकेले तो नहीं उठा सकते, कोई तो तुम्हारा साथी होगा। कौन है तुम्हारा साथी? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलना। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, लेते लोग पूछ लेंगे तो केस यही सॉल्व हो जाएगा, जल्दी बोलो। साहब वो यही सोसाइटी में ही रहता है। नहीं रहता? इनमें से कोई है? तो कौन है? सब ये सब तो मुझे नहीं पता। तो फिर तुमको कैसे मालूम कि वो यहीं रहता है? जब मैं उन्हें यहाँ छोड़ने आया था तो वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे और अपने आप को पत्रकार बता रहे थे। पत्रकार तो मास्टर जी तुम्हारे सोसाइटी में एक ही है ना, पोपटलाल। गॉट इट, मतलब टमाटर की चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है। यस, पोपट चोर। नहीं नहीं पंडित जी, पोपटलाल भाई नहीं नहीं नहीं, पोपट भाई कभी स्कूल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओ महिला मंडल, आप लोग इस केस में इमोशनल एंगल मत डालिए। दिस केस विल बी सॉल्व बाय ओनली मुंबई पुलिस। करेक्ट। अब जल्दी जल्दी बताओ, वो पत्रकार पोपटलाल रहता किधर है? पांडे जी वो सेविंग में सेकंड फ्लोर। पाटिल सर, पत्रकार पोपटलाल जिस हालत में होगा उसे उठाकर यहां लाओ। यस सर। क्विक। पोपटलाल ने टमाटर चुराए, विश्वास ही नहीं हो रहा है। मास्टर जी मुझे पहले ही से शक था कि 40 किलो टमाटर की चोरी को अंजाम देने वाला कोई अंदर का ही आदमी होगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है मास्टर जी कि 40 किलो टमाटर पत्रकार पोपटलाल ने ही चुराए। क्या टमाटर का चोर पोपटलाल? ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोड़ा गांव में ढिंडोरा। पोपटलाल से ये उम्मीद नहीं थी। पोपटलाल ने ऐसा किया क्यों? आपको क्या लगता है पोपटलाल के मन में ऐसी कौन सी बात चल रही थी जिसके वजह से उसे ऐसा करना पड़ा? पोपटलाल के मन में क्या चल रहा था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर 15 साल की खुशियां हम अब भी मना रहे हैं। हमारे निर्माता असित कुमार मोदी जी हमारे स्पॉट डिपार्टमेंट और सफाई कर्मचारियों से मिलकर खुशियां मना रहे हैं, तो चलिए आप भी मिलिए उनसे। ये हमारे स्पॉट बॉय की टीम, सबको चाय पानी सबकी हर जरूरत आर्टिस्ट की टेक्नीशियन की वो पूरी करते हैं। ये लोग सालों से मेरे साथ हैं, तो सबसे पहले हमारे जो चीफ है स्पॉट बॉय के जो सब हेड है जावेद भाई, जावेद भाई आपको शुभकामनाएं। ये धर्म सबके लिए चाय कॉफी सब कुछ देना है और वो भी मुस्कुराते हुए, आपको शुभकामनाएं। ये मंगेश 1998 तभी से वो हमारे साथ है, आपको भी 15 साल की शुभकामनाएं। नितिन को भी 15 साल की शुभकामनाएं, ये भी बहुत सालों से हमारे साथ है। ये अमृत भाई की अगर हाथ की अगर आप चाय पी लो ना, बस आपका दिमाग फ्रेश हो जाए। अमृत भाई आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सचिंदर कुमार ये भी हमारे साथ है, 15 साल की शुभकामनाएं। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, उनका एक इनिशिएटिव है गो ग्रीन, तो गो ग्रीन का मतलब होता है कि सब कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, कम से कम प्लास्टिक का यूज हो, तो उसका हमारे नित्यानंद भाई ध्यान रखते हैं, फायर सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। नित्यानंद भाई आपको 15 साल की शुभकामनाएं।
ये हमारी टीम हाउसकीपिंग टीम है। इनका काम है हमारे सेट को एकदम नीट एंड क्लीन रखना। सुधीर भाई, विकास पाटिल, संतोष और महेंद्र, सिक्योरिटी गार्ड पांडे जी और शशिकांत भाई। अब पत्रकार पोपटलाल और चालू पांडे जी आमने सामने आने वाले हैं। सबकी दुनिया हिला देने वाले, पोपटलाल की दुनिया हिलने वाली, लेकिन आपकी दुनिया तो हंसी और ठाकों से हिलेगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं दो बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर पत्रकार हूँ, मैं दुनिया हिला दूं। पांडे जी देखिए ना कैसे उठा के लेके आया मुझे। उनको मैंने ही कहा है ऐसे ही उठा के लाने को आपको। अरे अरे क्यों, मैंने क्या किया है? 40 किलो टमाटर की चोरी। क्या? हाँ। अरे भैया आप क्या बोल रहे हैं? नौ तो कह रहा। हाँ सर यही है वो, और इन्होंने ही टमाटर की चोरी की है। तो भाई है? क्या बोल रहा है, मैंने टमाटर की चोरी की है? आप लोगों ने देख लिया, पोपटलाल ने ही 40 किलो टमाटर चुराए थे। पत्रकार पोपटलाल को 40 किलो टमाटर चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार करो। यू आर अंडर अरेस्ट।